बनाना पुडिंग बनाने के लिए मेरे पास 3 केले हैं और ये मैं छील के ब्लेंडर में डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें 500 ml दूध डालूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो 3 केले और 500 ml दूध को ब्लेंड कर लीजिए और फिर मैं बताऊँगी कि अगला स्टेप क्या करना है। अब जिस पतीली में मैं ये पुडिंग तैयार करूँगी उसी में मैं ये छान रही हूँ। चूल्हा नहीं जल रहा, चूल्हा जब मैं जलाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि इस पॉइंट पे फ्लेम ऑन करनी है, लेकिन अभी मैं सिर्फ पतीली में ये जो ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर है वो डाल के इसको छानूँगी ताकि जो भी बीज या पल्प रह गया है वो बिल्कुल हट जाए। तो इस तरीके से ये कर लीजिए। अब यहाँ पे मेरे पास पुडिंग का मिक्सचर है, एक पैकेट है 78 ग्राम्स का और ये पूरा पैकेट मैं इसमें डाल दूँगी जो बनाना और मिल्क का जो मिक्सचर है। और अभी फ्लेम ऑन नहीं हुई है तो इसको बस मैं पाउडर डाल के अच्छे तरीके से विस्क कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैंने इसका चूल्हा ऑन कर दिया है और मीडियम लो आँच पे बॉयल आने तक इसको पकाना है। ये गाढ़ी होती रहेगी हल्की हल्की और फिर इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। इसी पॉइंट पे मैं बनाना एसेंस डाल रही हूँ, कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है लेकिन ये फ्लेवर को इन्हांस करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स करते हुए पकाऊँगी 2 से 3 मिनट के लिए, बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसकी फ्लेम बंद कर दूँगी। मेरे पास मिनी मग्स हैं जिसमें मैं पुडिंग को सेट करूँगी, तो जिस भी चीज़ में आप पुडिंग बनाएंगे उसमें ये डाल के जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर उसको फ्रिज में रख दीजिए और अच्छे तरीके से ठंडा कर लीजिए और सेट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको फाइनल प्रेजेंटेशन करके दिखाऊँगी। बनाना पुडिंग सेट हो चुकी है, अब मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। यहाँ पे मैं एक एक के ऊपर बनाना स्लाइसेस रख रही हूँ और फिर इसके ऊपर कैरमल सॉस डाल दूँगी जो कि इसी पुडिंग के साथ होती है। तो ये मज़ेदार सी सॉस इसके ऊपर डाल दी है और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जिस भी तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए। तो यहाँ पे बनाना पुडिंग बिल्कुल तैयार है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत आसान रेसिपी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ बनाना उसको ब्लेंड करना है दूध के साथ और उसको पुडिंग का मिक्सचर डालना है और उसको पकाना है। तो ये बहुत एक सिंपल सा मीठा है जो कि आप आसानी से जल्दी बना सकते हैं और इसको फिर ट्राई कीजिए। बनाना का बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर आएगा और कैरमल के साथ वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन देगा। यहाँ पे मैं आपको खा के दिखा रही हूँ कि ये अच्छे तरीके से बिल्कुल सेट हो चुकी है और ठंडी हो चुकी है। तो इसको ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपके पास ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है। तो रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान को लाइक